नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 48 साल पुराने यूनिवर्सिटी एक्ट में होगा बदलाव। किसानों को इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद मिलेगा हर सरकारी योजना का फायदा। बिहार में छठे चरण के चुनाव में उतरे 35 प्रत्याशी करोड़पति। प्रदेश में आज इन जिलों में बारिश के आसार। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर इतने रुपए का लग सकता है जुर्माना। आईपीएल 2024 में आज का मुकाबला साफ करेगा प्लेऑफ की तस्वीर। सीबीएसई की परीक्षा में कम अंक आने पर ऐसे होगी शिकायत दूर। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने निकाली 276 अप्रेंटिस की भर्ती। जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 276 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट jkbank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 मई है। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 700 रुपये लिए जाएंगे। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 तक, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में 48 साल पुराने यूनिवर्सिटी एक्ट में होगा बदलाव। बिहार में शिक्षा विभाग ने अब उच्च शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में एक बार फिर से बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में अब प्राचार्यों के अधिकार का उल्लेख किया जाएगा। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के करने के साथ ही प्राचार्यों को अन्य अधिकार देने की तैयारी में जुट चुका है। बताया जाता है कि सभी प्राचार्यों की कोई भी चर्चा नहीं होने पर व्यवहारिक परेशानियां सामने आ रही हैं। खासकर वित्तीय मामलों में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे विकास कुमार के बारे में। विकास पेशे से एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और संवाद प्रशिक्षक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन बिहार के गया में हुआ था। इन्हें आर्या में एसपी खान, सीआईडी में वरिष्ठ निरीक्षक, रजत हामिद में अब है आदि में उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। खोटे सिक्योर, इश्किया, शकुंतला देवी और उड़ान जैसी हिंदी फिल्मों में ये संवाद कोच के रूप में काम कर चुके हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय की राशि को 10 दिनों के अंदर जारी करने का दिया आदेश। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय की राशि को 10 दिनों के अंदर जारी करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि कई विश्वविद्यालयों में फरवरी से वेतन नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और स्वीकृत बजट की राशि को 10 दिन के अंदर जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार सरन ने अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और यूनिवर्सिटी के खातों को फ्रीज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं 10 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग अगर रोक नहीं हटाती है तो विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों की राशि पर ही कोर्ट की ओर से रोक लगा दी जाएगी। किसानों को इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद मिलेगा हर सरकारी योजना का फायदा। बिहार के किसानों को कृषि ऐप के डाउनलोड करने के बाद अब हर सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। बिहार कृषि विभाग ने किसानों तक आसानी से अपनी योजनाओं को पहुंचाने और उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए ऐप लॉन्च की है। विभाग की ओर से इस ऐप को कृषि ऐप का नाम दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसानों को अब विभाग की योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग अलग पोर्टल पर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इसके झंझट से किसानों को मुक्ति मिल जाएगी। किसान अब एक ही पोर्टल पर आवेदन करके सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग ने कृषि ऐप को लॉन्च किया है। जिला स्तर कृषि पदाधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही किसान सलाहकार को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार में छठे चरण के चुनाव में उतरे 35 प्रत्याशी करोड़पति। बिहार में 25 मई को छठे चरण का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इसमें 35 प्रत्याशी करोड़पति हैं। जानकारी के अनुसार इन प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 3.97 करोड़ रुपए है। इस चरण के 85 में से 35 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक की है। इसमें 34 निर्दलीय प्रत्याशी में से 9 करोड़पति हैं। वहीं जदयू के 4, राजद के 4, भाजपा के 3, कांग्रेस के 2, विकासशील इंसान पार्टी के 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 1 प्रत्याशी करोड़पति हैं। ADR व बिहार इलेक्शन की संयुक्त रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।
बिहार में 147 नर्सिंग स्कूलों का मूल्यांकन जल्द होगा शुरू। बिहार में पहली बार नर्सिंग सेवाओं की गुणवत्ता को उच्चतर स्तर तक ले जाने के लिए मिशन उन्नयन को लॉन्च किया गया है। आने वाले दिनों में राज्य की 5000 नर्सों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं के योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के 147 नर्सिंग स्कूलों के प्रशिक्षण के मानकों में सुधार किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा इन नर्सिंग स्कूलों में मूल्यांकन का काम शुरू किया जाएगा। बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने मूल्यांकन को लेकर 35% तक की राशि को जमा कर दिया है। नीले रंग के साथ इन दो रंगों के होते हैं भारत के पासपोर्ट। सामान्य पासपोर्ट का रंग नीला होता है, लेकिन इसके साथ ही पासपोर्ट अन्य दो रंगों के भी होते हैं। मालूम हो कि बिना पासपोर्ट के आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते हैं। भारत में नीला के अलावे सफ़ेद रंग के पासपोर्ट भी होते हैं। सामान्य नागरिकों को नीला रंग का पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। इसके बाद सफ़ेद रंग का पासपोर्ट भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए होते हैं। ये उन्हें दिए जाते हैं जो नौकरी के दौरान किसी काम से यात्रा के लिए विदेश जाते हैं। डिप्लोमेट्स और सरकार के सीनियर लेवल के अधिकारियों को मरून पासपोर्ट दिया जाता है। इसमें IAS, IRS और IPS रैंक के अधिकारी शामिल होते हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर के बारे में। ये मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस मंदिर को लोग देवार को सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अक्सर सूर्य मंदिर पूर्वाभिमुख होते हैं, हालांकि ये मंदिर पूर्वाभिमुख ना होकर पश्चिमाभिमुख है। ये मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी का ये सबसे बेहतर नमूना है। चली आ रही कथाओं के मुताबिक हिंदू मिथकों में वर्णित कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिर में से एक इसे माना जाता है। शिक्षक संघ ने के पाठक की शिकायत की। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षक संघ ने शिकायत की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के भीषण गर्मी में स्कूल खोलने और शिक्षकों की 90% उपस्थिति को अनिवार्य करने के आदेश का विरोध जताया है। छात्रों और शिक्षकों के अचेत होने की घटनाओं ने के पाठक के इस फैसले का विरोध किया है। शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने संबंध में CM नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और शिक्षा विभाग के इस आदेश को तानाशाही बताया है और कहा है कि इस फैसले से शिक्षकों और बच्चों की जान खतरे में है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर इतने रुपए का लग सकता है जुर्माना। एम्बुलेंस में आम तौर पर मरीज इमरजेंसी हालात में होते हैं। वहीं अगर कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोक देता है और इसको रास्ता नहीं देता है तो उसे जुर्माना लग सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनका चालान कट सकता है, साथ ही उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। मालूम हो कि एम्बुलेंस सायरन इसलिए बजती है कि सड़क पर आगे खड़ी वाहनों को इस बात का समझ आ सके कि एम्बुलेंस आ रही है और उसे रास्ता देना है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है तो फिर उसके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मालूम हो कि जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। क्रिमिनल जस्टिस फॉर्म में सामने आया पंकज त्रिपाठी का नया अंदाज। बिहार के पंकज त्रिपाठी अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज क्रिमिनल जस्टिस फॉर्म में वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेकर्स ने एक वीडियो शेयर करके इस बात की जानकारी दी है। इनके द्वारा माधव मिश्रा की पहली झलक दिखाई गई है। पंकज त्रिपाठी माधव मिश्रा बनकर छा चुके हैं। मालूम हो कि क्रिमिनल जस्टिस पंकज त्रिपाठी द्वारा निर्देशित शो है। इसके पहले के 3 सीजन हिट होने के बाद इसका 4th सीजन सामने आ रहा है। इसका कई लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। माधव मिश्रा का एक नए ट्विस्ट के साथ नई कहानी लेकर हाजिर हो चुके हैं। नए वीडियो में माधव मिश्रा का नया और दबंग अंदाज देखने को मिल रहा है। मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति। मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। ब्लूमबर्ग के दुनिया में ऐसे 15 लोगों की लिस्ट को जारी कर दिया है जिनके पास करीब 8,338 अरब रुपए से अधिक की रकम है। इस लिस्ट में भारत से सिर्फ मुकेश अंबानी का नाम है। ये इस लिस्ट में 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं इस लिस्ट में पहला स्थान फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट का है। कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाले जेफ बेजोस दूसरे और एलन मस्क तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची के अनुसार मुकेश अंबानी के पास $112.2 बिलियन यानी करीब 9,353 अरब रुपए की संपत्ति है। बिहार में आज इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। अब इसी गर्मी के बीच एक बार फिर से प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है।
प्रदेश में आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में किया दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि प्रदेश में दक्षिण पश्चिम भाग बांका या नवादा के कुछ स्थानों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। पटना मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। पटना मेट्रो का निर्माण कर रही कंपनी दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के सलाहकार दलजीत सिंह के डीएमआरसी के अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर मॉनसून पूर्व प्रबंधन कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया है। इसका मकसद है निर्माण कार्य में किसी भी तरह की कोई बाधा सामने नहीं आए। ठेकेदार को पाटलिपुत्र नाला व ड्रेन क्षेत्र में पावरिंग और पाइल कैंप का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ड्रेन डायवर्जन की योजना सावधानी पूर्ण तरीके से बनाने का आदेश दिया गया है। साथ ही इसकी निगरानी 24 घंटे करने के लिए कहा गया है। पाटलिपुत्र रैंप के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर आज श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में दुर्लभ वस्तुओं की लगेगी प्रदर्शनी। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर आज श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में दुर्लभ वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आज के दिन राजधानी पटना में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की प्रदर्शनी में दुर्लभ स्टैम्प्स, सिक्के, पेन आदि की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसे प्रचालित करने के लिए बिहार और झारखंड के प्रचलित संग्रह भाग ले रहे हैं। यहाँ पर ओपन हाउस क्विज का भी आयोजन किया जाएगा। इसका विषय म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च रहेगा। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्कूली बच्चों को विशेष छूट दी जाएगी। बिहार में जॉब ऑफर देकर साइबर सातिर ने ऐसे लगाया चूना। साइबर सातिर ठगी का नया नया तरीका अपनाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र में प्रधान लिपिक के बेटे को साइबर सातिरों ने अडानी ग्रुप में जॉब का ऑफर दिया और नौकरी लगाने के नाम पर 46,000 रुपये की ठगी कर ली है। बताया जाता है कि ऑनलाइन दोस्ती के बाद आरोपी ने खुद को अडानी ग्रुप पावर प्लांट में प्रबंधक के पद पर कार्यरत होने की बात कही थी। नौकरी लगाने के नाम पर 1,00,000 रुपये की मांग की गई। इसके बाद पीड़ित ने खाते में 46,000 रुपये जमा की और कुछ महीने के बाद पीड़ित को ठगी होने का एहसास हुआ है। इसके बाद इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पीएम मोदी 20 मई को पटना में करेंगे रात्रि विश्राम। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। पटना में 20 मई को उनके रात में रुकने का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद 21 मई को वो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। फिर सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की सीमा पर गुड़िया कोठी में उनकी रैली निर्धारित है। इसी दिन वो पूर्वी चंपारण में भी रैली करने जा रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बेतिया में रैली को संबोधित करने वाले हैं। SSB और CISF को लेकर तेजस्वी यादव ने दिया बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो रहा है। सभी दलों के नेता एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे क्रम में बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अग्निवीर जैसी योजना देश के युवाओं के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इस योजना को सरकार अब CIS और SSB जैसे विभाग में भी लागू करना चाहती है। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। केंद्र सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह की मां ने नाम लिया वापस। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट से भोजपुरी के चर्चित सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर उनकी मां प्रतिमा देवी ने भी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया है। दरअसल इससे पहले पवन सिंह के करीबियों ने उनकी मां के नाम वापस लेने के संकेत दिए थे। इधर पवन सिंह काराकाट की लोकसभा सीट से डटे हुए हैं। वो जोरों शोरों से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए उनकी सभा में लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। IPL 2024 में आज का मुकाबला साफ करेगा प्लेऑफ की तस्वीर। IPL 2024 में आज का मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर को साफ कर देगा। आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले के नतीजे आते ही प्लेऑफ की चारों टीमें तय हो जाएंगी। आज के इस मैच को MS धोनी बनाम विराट कोहली भी करार दिया गया है। इस कारण आज IPL का ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है। मालूम हो कि इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेऑफ की 3 टीम तय हो चुकी है। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स ने काफी पहले से ही प्लेऑफ में जगह बना ली थी। इसके बाद तीसरी टीम
सनराइजर्स हैदराबाद बनी। अब सभी को आरसीबी बनाम सीएसके के मैच का इंतजार है। आपके अनुसार आज के इस मुकाबले को जीतकर कौन सी टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 18 मई वर्ष 1933 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु बम प्रशिक्षण करके भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में शामिल हो गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल के लिए कॉमनवेल्थ सम्मान दिया गया था। आज के दिन वर्ष 1961 में अनिल चौहान का जन्म हुआ था। ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं। सीबीएसई की परीक्षा में कम अंक आने पर ऐसे होगी शिकायत दूर। सीबीएसई की परीक्षा में कम अंक आने पर विद्यार्थी अपनी शिकायत को दूर कर सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के परीक्षा परिणाम को जारी कर दिए हैं। अपने अंक से संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थी मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जरिए परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी को भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उत्तर पुस्तिका पर दिए गए अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। विद्यार्थी अंकों के वेरिफिकेशन के लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को प्रति विषय ₹500 शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी के लिए परीक्षार्थियों को ₹700 का भुगतान करना होगा। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम वीडियो में दावा किए जा रहे फ्री वाईफाई सुविधा के बारे में। इंस्टाग्राम पर क्लासिफाइड .ai नाम से एक इंस्टाग्रामर ने अपने एक वीडियो में फ्री वाईफाई की सुविधा को लेकर दावा किया है। इस इंस्टाग्राम वीडियो में दावा किया गया है कि संचार साथी पोर्टल में नो योर ISP सुविधा उपयोगकर्ताओं को मुफ्त वाईफाई प्रदान कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। इस पोस्ट को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। इसलिए इस तरह के भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में बड़ा बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में यूजर्स को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट का URL बदल दिया गया है। खुद एलन मस्क की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। अब इस वेबसाइट के URL में twitter.com की जगह पर x.com लिखा हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की ओर से ये कहा गया है कि हम URL में बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और ये पहले की तरह रहेगा। यहाँ तक कि एक्स वेबसाइट पर लोगों की प्राइवेसी पॉलिसी को देखने का लिंक भी उपलब्ध करा दिया गया है। मस्क के आने के बाद लोगों को ट्विटर पर कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल करेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए है 21 मई, ऑप्शन बी है 25 मई, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन डी है 16 मई। इसका सही उत्तर है 25 मई। हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है सूरत। इसका सही उत्तर है मुंबई। हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही उत्तर है चीन। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय जगह कौन सी है? ऑप्शन ए है जरासंघ का अखाड़ा, ऑप्शन बी है गृध्रकूट पर्वत, ऑप्शन सी है मखदूम साहब का हुजरा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में कब जबरदस्त हड़ताल देखने को मिला था? ऑप्शन ए है 6 फरवरी 1920, ऑप्शन बी है 6 फरवरी 1919, ऑप्शन सी है 6 मई 1919, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 1919। इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1919। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सादुल्लाह पालवी, देव कुमार, उमेश ऋषिदेव, राजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, शोभानंद ठाकुर, कृष्णा कुमार, वेद प्रकाश सिंह, अनवर करीम खान, राहुल कुमार, विजय कुमार मंडल, कृष्णा प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है,
साइबर अपराध से बचने के लिए आप किस तरह के उपाय करते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।